भविष्य में आपको अचानक से जोर का झटका ना लगे, इसलिए मैंने सोचा इन्फॉर्म कर देता हूँ आपको। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है आप अपना पोर्टफोलियो देखो और डर जाओ कि मेरा पैसा गया तो गया, कहाँ हुआ तो हुआ क्या पैसा। जैसे कि आपको पता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है, वो होल्डिंग जिस एप्लीकेशन के थ्रू बनाया है आप वहाँ पे भी देख सकते हो, या फिर आपको कभी कभी AMC के वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो जिस स्कीम के अंदर में जा रही इन्वेस्टमेंट वो देख सकते हो, या फिर कैम्प्स के वेबसाइट पे देख सकते हो, या फिर किफिन के वेबसाइट पे जो भी रजिस्ट्रार है, या फिर म्यूचुअल फंड यूटिलिटी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे देख सकते हो। इन सब जगह पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर जा रही है वो आप देख सकते हो। लेकिन कैसा हो, जब आप कैम्प्स के एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करो या वेबसाइट के अंदर अपना अकाउंट बनाकर रजिस्टर करो अपना पोर्टफोलियो देखने के लिए, और आपको वहाँ पे पोर्टफोलियो दिखे ही ना, वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड दिखे ही ना, फिर तो आप डर जाओगे। अब ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पास्ट में आपको बताया हुआ है कि जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो होल्डिंग हमारी हो रही है वो दो तरीके से होल्ड होती है। एक होती है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में, और एक होती है डीमेट अकाउंट के अंदर, डीमेट फॉर्म के अंदर में। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में जो स्टोर होता है हमारा म्यूचुअल फंड होल्डिंग, वो कैम्स या केफिन जो भी रजिस्ट्रार है उसका डेटा उसके पास होता है। लेकिन जो डीमेट फॉर्म में हमारी होल्डिंग्स हैं उसका डेटा जो भी जिस भी डिपॉजिटरी के पास हमारा डीमैट अकाउंट है, CDSL के पास हो तो या NSDL के पास हो तो, जिसके भी पास है वहाँ पे हमारा डेटा स्टोर रहता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने बता देता हूँ कि जैसे मान लो 50,000 रुपये मैंने ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए, और 50,000 रुपये मैं जीरोधा क्वाइन के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए मैंने, तो जो ग्रो के थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में होल्डिंग रहता है। तो वो कैम्स की वेबसाइट पे, ऐप्स पे, ऐप पे मैं चेक करूंगा तो वहां पे मुझे दिखेगा 50,000 की होल्डिंग। क्लियर है? पूरा का पूरा 1 लाख मुझे नहीं दिखेगा, सिर्फ 50,000 ही दिखेगा। बाकी का 50,000 मुझे या तो जीरोधा क्वाइन में दिखेगा, या फिर CDSL के एप्लीकेशन के अंदर मैं लॉग इन करूंगा तो वहां पे मुझे होल्डिंग वो दिखेगी जो मैं जीरोधा के क्वाइन ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जीरोधा क्वाइन के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट जाता है वो डीमेट फॉर्म में होल्ड होता है, और जो ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट जाता है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में होल्ड होता है। अब मान लो चार ऐसी एप्लीकेशन है जिनका चारों का चारों के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट जाता है वो उनका रजिस्ट्रार जो है वो कैम्स ही है, तो ऐसे में चाहे चार एप्लीकेशन के थ्रू क्यों ना पैसा जा रहा हो, इन्वेस्टमेंट जा रहा हो, वो सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह आपको कैम्प्स के थ्रू दिख जाएगी। क्लियर है कि दो तरीके से हमारी होल्डिंग होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एक डीमेट के फॉर्म में। तो अगर आपका ऐप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में होल्डिंग रखता है, मतलब होल्ड करता है म्यूचुअल फंड को, वो सर्विस है उसका, तो वहां पे कैम्प्स वगैरह जो रजिस्ट्रार है उनके पास आपकी होल्डिंग दिखेगी, और जो अगर डीमेट फॉर्म में सपोर्ट करता है आपका ऐप तो आपकी होल्डिंग डिपॉजिटरी के पास दिखेगी। तो ऐसे में परेशान नहीं होना है, कि डरना नहीं है कि मेरी म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऐप में तो दिख रही है लेकिन कैम्प्स के पास नहीं दिख रही है, या फिर ऐप में तो दिख रही है लेकिन CDSL में नहीं दिख रही है। तो ऐसे में डरना नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर ब्रोकर बंद होता है, ब्रोकर अकाउंट बंद हो जाता है, आप लोग पूछते रहते हो ना ब्रोकर अकाउंट बंद हो जाता है या भाग जाता है या कुछ भी होता है ब्रोकर के साथ, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखेगी? तो हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखेगी जहाँ मैंने बताया, कैम्प्स में या CDSL में या NSDL में या केफिन, मतलब इन सब जगह पे डिपॉजिटरी एंड रजिस्ट्रार के पास हमारी दिखेगी इन्वेस्टमेंट।